हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो डायोक्सिन होती है वो पैरामैग्नेटिक नेचर की क्यों होती है। तो हमने पढ़ा है कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर कब शो करेगा, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो डाइमैग्नेटिक है। तो अगर हम ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर की बात करें डाई ऑक्सीजन में, तो डाई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, यानी इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम डाई ऑक्सीजन की सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पर देखिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इसके हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 5 और 6। तो डाई ऑक्सीजन में क्या करते हैं, दोनों ही ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पर इनके बीच में हो जाती है। तो अगर हम यहां पर देखें, इस ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस ऑक्सीजन के पास भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी जो डाई ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार इसको एक्सप्लेन करते हैं, MOT से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार दो एटम के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स के एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो बनाएंगे, किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, 1s2, 2s2, 2p4। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास वैलेंस शेल कौन सी है, 2s2, 2p4। अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें, 2s ऑर्बिटल की, यह हमारे पास 2s ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन, क्योंकि डाई ऑक्सीजन में हमारे पास दो ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन की 2s ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन की हमारे पास ये 2s ऑर्बिटल, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार ये 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहां पर इनके बीच में बनेगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये कौन सी होगी, ये होगी सिग्मा 2s, और एक होगी यहां पर हायर एनर्जी वाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी सिग्मा स्टार, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4, 1, 2, 3, 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन को हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरना है। इनको हम भरेंगे अफबाउ रूल के अनुसार। अफबाउ रूल क्या कहता है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो उन ऑर्बिटल में भरे जाते हैं जहां पर जिनकी एनर्जी कम होती है। तो इसकी एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हम इस वाली ऑर्बिटल में भर देंगे। भरे गए, अब हमारे पास यह है 2p4 ऑर्बिटल, अब इनको हम यहां पर भरते हैं। ये हमने बनाई, हमारे पास है ये 2p ऑर्बिटल, ये एक ऑक्सीजन की और ये दूसरे ऑक्सीजन की 2p4, 2p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल में, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 4 भरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन की भी, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब बात करते हैं इनकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। हमारे पास आपको पता है जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक होती है 2px, 2py, 2pz, px, py, pz ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से इस 2p में px, py और pz। तो यहां पर इनके मॉलिकुलर ऑर्बिटल हम बना लेते हैं। यहां पर सबसे पहले जो 2pz है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पहले पास होते हैं, तो सबसे पहले ये कंबाइन होकर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहां पर देखिए ये हमारे बनी एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz। उसके बाद यहां पर जो 2px 2py है ये पाई पाई ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो यहां पर बनेगी पाई ऑर्बिटल्स, ये बनेंगे यहां पर पाई ऑर्बिटल्स, पाई 2px पाई
2PY। इसी तरीके से एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, सबसे पहले एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल यहां पर बनेंगे सिग्मा स्टार 2PZ, एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। इसी तरीके से यहां पर ये एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे पाई बॉन्ड के, पाई के, पाई स्टार 2PX, पाई स्टार 2PY, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास दोनों ऑक्सीजन के यानी O2 में दोनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है हमें इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो अफबाउ रूल के अनुसार भरेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर भरे जाएंगे, उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम। तो सबसे पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अफबाउ रूल के अनुसार पहले इसमें भरा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए पाई 2PX और पाई 2PY ऑर्बिटल्स में। तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन गए, बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है इनको हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरेंगे। तो अब पहले इसमें भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे पास खत्म हो गए। तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जो हमारे पास डाई ऑक्सीजन है O2, उसमें क्या आए, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए एंटी बॉन्डिंग पाई 2PX और पाई स्टार 2PX और पाई स्टार 2PY ऑर्बिटल्स में। तो यहां पर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार डाई ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होता है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं जो H2 है, H2 यानी हमारे पास डाई सल्फर, वो भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो ये वाले अंदर के ऑर्बिटल्स हैं ये कहलाते हैं नॉन बॉन्डिंग, ये तो यहां पर ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं तो इनका इस्तेमाल नहीं होगा। जो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स, यही इस्तेमाल किए जाएंगे बॉन्डिंग के लिए। तो यहां पर बस सिंपल क्या होगा, H2 में जो मैंने यहां पर 2s लगाया, यहां पर ये 3s हो जाएगा, यहां पर भी ये 3s हो जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से फिल होंगे, यहां पर भी ये 3s, यहां पर भी 3s। इसी तरीके से यहां पर H2 के केस में ये 3PZ, यहां पर ये 3PY और 3PX, यहां पर ये 3PX और 3PY पाई स्टार और ये 3PZ, बाकी इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से भरे जाएंगे सेम टू सेम। और यहां पर इस वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड H2 के केस में भी आएंगे। तो इससे H2 का भी प्रूफ हो जाएगा, जो H2 होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि उसमें भी पाई एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार।